हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी। आज मैं उस एडवाइजरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि रशिया के लिए, रशिया के पढ़ने वाले, रशिया में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रशिया में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, सो आप अपने बैग पैक करके यहाँ से निकल सकते हैं। सो ये एडवाइजरी जो भी जिसने जारी किया है, आई थिंक वो कोई कंसल्टेंट हो सकता है जो यूक्रेन के लिए प्रमोशन करते हैं, या कोई स्टूडेंट हो सकता है जो इसके खिलाफ हो। तो पर्टिकुलर कंट्रीज़ को अगर वो टारगेट करके ये चीज़ एडवाइजरी निकाल रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडियन एम्बेसी मॉस्को की भी वेबसाइट है, जहाँ पर आप डायरेक्टली जाके वो सारी चीज़ें एडवाइजरी को लेकर आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये जो एडवाइजरी थी वो फेक थी, और इसके लिए इंडियन एम्बेसी मॉस्को ने भी ये चीज़ क्लियरिफाई किया है, और सारी चीज़ें अभी क्लियर है। क्योंकि अगर हम रशिया की, अगर पर्टिकुलर रशिया की बात करें, अगर रशिया में अगर आप सेफ नहीं हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप सेफ नहीं हो सकते। सो रशिया इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है, किसी भी तरीके की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है। सेंशन लगा हुआ है, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो डेली रूटीन है वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मनी विड्रॉल की, मनी विड्रॉल का प्रॉब्लम सिर्फ क्रीमिया और क्रासोदार रीजन में, जहाँ पर कुबान है, कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, उस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उस जगह पे पैसे की शॉर्टेज चल रही है। क्रीमिया में ऑलरेडी पूरा का पूरा सेंशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप विड्रॉल नहीं कर सकते अमाउंट। रही बात कुबान की, क्रासोदार रीजन की, वहाँ पर मनी की शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो सारे सफ़र कर रहे हैं। सो अभी पहले ये हुआ था कि 2nd of March तक वहाँ का एयरबेस बंद था, अभी वो चीज़ एक्सटेंड करके 8th of March कर दिया गया, अभी फिर वो एक्सटेंड कर दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो चीज़ एक्सटेंड होते रहेगी, और वो एक्सटेंड होके ऑलरेडी वो 14th of March तक चला गया, एंड इट विल एक्सटेंड टिल द वॉर विल बी एंडेड इन यूक्रेन। तो जब तक ये वॉर का सिचुएशन यूक्रेन में बना हुआ है, जब तक रशिया वहाँ पर सारी चीज़ें अपने अंडर नहीं ले लेती, तब तक ये क्रीमिया और क्रासोदार रीजन बिल्कुल सेफ नहीं है। और आगे भी ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, आफ्टर 2014 वी हैव सीन क्रीमिया वो एक रीजन रहा है जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दिस कम्प्लीशन ऑफ वॉर ऑल्सो। सो जो बच्चे क्रीमिया में हैं ऑलरेडी, वो लाइक क्रीमिया छोड़कर इंडिया आ चुके हैं, और कई लोग अभी मॉस्को में हैं जिनकी फ़्लाइट्स अभी अपकमिंग डेज में होने वाली है। सो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, वो तो क्रीमिया जाने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। और वहाँ पर अगर आपको, अगर हम प्रैक्टिकल एक फैक्ट की बात करें, तो अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर, वहाँ पर आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द टेंशन जो कि पहले से लगा हुआ है फ्रॉम 2014। आप क्रीमिया रीजन में कहीं भी पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो बच्चे क्रासनोदार जाके पैसे निकाल के लाते थे, वहाँ पर पैसे हैं नहीं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे उस जगह पर। सो अवॉइड दिस क्रीमिया एंड कुबान फॉर कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आपको पूरे साल भर का पैसा कैरी करना पड़ेगा, और पूरे चीज़ों से आपको अलग रह के वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। हो सकता है बाद में चल के डॉलर भी जो वहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं वो भी होना बंद हो जाए, क्योंकि क्रीमिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है। सो फॉर नाउ जस्ट अवॉइड गोइंग टू क्रीमिया एंड क्रीमिया रीजन, एंड अवॉइड एज वेल एज क्रासनोदार रीजन टू, बिकॉज ये दोनों बहुत ही क्लोजेस्ट पार्ट हैं लाइक बॉर्डर्स के। सो इन जगहों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और रही बात बाकी जगहों की, अभी तक जब तक आपके पास ये मिनिस्ट्री से कोई एडवाइजरी नहीं आती, तो आप बिल्कुल, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, कोई सिटी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है नहीं एज सच, और ना आगे होने वाली, क्योंकि हर जगह पे मनी विड्रॉ नॉर्मल चल रहे हैं। बस आप लाइक ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकते जो आप इंडिया से यहाँ पर डायरेक्ट आप पैसे जो भेज सकते थे सिर्फ ट्रांसफ़र, वो आपको सैंक्शन की वजह से बंद कर दिया गया है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हो रही है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही है जैसे पहले चल रही थी, तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो दूसरे पार्ट दूसरे पार्ट में रशियन फेडरेशन के जो लाइक पढ़ाई कर रहे हैं, सो
आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट सो मेनी इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स योर फैमिलीज एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत.